हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो अभी तक के जो वीडियोस हैं उनमें हम दिल्ली के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में, एमएससी जो कोर्सेज हैं उनके अंदर जो एमएससी कोर्सेज हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं डीयू के बारे में, हम बात कर चुके हैं डीटीयू के बारे में, और हम बात कर चुके हैं एनएसआईटी के बारे में। अब दिल्ली के अंदर ही एक और जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, वो रह जाती है हमारी। फिर दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर CUET PG के थ्रू एडमिशंस मिल रहा है एमएससी कोर्सेज के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट हमारी कवर हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे, मैं बात करने वाला हूँ JNU के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है एमएससी कोर्सेज के अंदर, उनके अंदर क्या जो फी है वो रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल फी क्या है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करना जरूर है। उसके बाद यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो बहुत सारे कोर्स है होने को तो JNU में, परंतु मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं केवल इस वीडियो के अंदर बात करूंगा एमएससी कोर्सेज की। तो CUET PG के थ्रू जो आपको एमएससी कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है JNU के अंदर, जिन कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड एनवायरमेंटल साइंस। आई अगेन रिपीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, इसको MA मैथमेटिक्स भी बोलते हैं कई जगह, मॉलिक्यूलर मेडिसिन और एनवायरमेंटल साइंस, ये रेगुलर कोर्सेज हैं JNU के अंदर, जिनके अंदर आपको CUET PG के थ्रू MSc में 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के आगे के पार्ट में हम ये जानेंगे कि इन कोर्सेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है JNU में तो इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना इनटेक है, क्या इन कोर्सेज की फी रहती है, और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो वन बाय वन मैं अगर बात करूं, सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करूं, फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर बैचलर डिग्री आपके पास हो विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स के अंदर आपको चाहिए तो फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए अंडर द पैटर्न 10+2+3, यानी कि 12वीं के बाद आपका 3 साल का जो डिग्री कोर्स है वो हो, कम से कम आपकी 55% हो, विद मिनिमम 55%, है ना, विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इन फिजिक्स ऑनर्स, या आपके पास फिजिक्स ऑनर्स हो। एप्लीकेंट्स विद BE BTech इन एनी ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, अगर आपके पास BSc अवार्ड नहीं हुआ, आपको BSc डिग्री नहीं है, परंतु आपने BE BTech किया हुआ है किसी भी ब्रांच के अंदर, और आपका जो CGPA एटलीस्ट 6 है, यानी कि 60% आपके पास है, तो भी आप एप्लीकेबल है BSc फिजिक्स के लिए, MSc फिजिक्स के लिए JNU के अंदर। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है तो ये कोड कंसिडर मत करना आप, ये मैंने लास्ट ईयर के जो ब्रोशर है उससे लिया है। सिमिलरली केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री केमिस्ट्री के अंदर, बैचलर डिग्री PCM से हो, केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट हो, 10+2+3 का पैटर्न हो, 55% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, और ऑनर्स आपके पास होना चाहिए इन केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स हो आपके पास, अगर आपने BE BTech किया है किसी भी ब्रांच के अंदर तो भी आप एप्लीकेबल हैं, सेम कहानी मैथमेटिक्स के अंदर है। तो कुल मिला के 55% का यहाँ पर क्राइटेरिया है। SC ST के लिए हो सकता है रिलैक्सेशन है, तो वो रिलैक्सेशन वाली बात मैं आगे बता दूंगा। फिर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मेडिसिन, मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंस, बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग MBBS, BE वोकेशनल साइंस और BE फार्मा। यदि आपने BSc सिंपल किया हुआ है एनी ब्रांच ऑफ साइंस, किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से आपका जो BSc है, अगर आप MBBS है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपने BE वोकेशनल साइंस लिया हुआ है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, BE फार्मा है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, किस ब्रांच के अंदर, मॉलिक्यूलर मेडिसिन के अंदर। ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में बात करें तो लाइफ साइंस के कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो लाइफ साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है JNU के अंदर तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर, चाहे आप BSc हो चाहे BTech हो, और इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल फिजिकल और एग्रीकल्चरल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी अंडर द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 55%। यहाँ पर भी 55% एटलीस्ट है, ये शायद OBC, EWS और जनरल के लिए SC ST का यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा था NSIT के केस में भी।
एनएस एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंस अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन और बीटेक एमबीबीएस विद एटलीस्ट 55% है ना, ये है। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस के मैंने कुछ लिखे हुए हैं तो ये देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्यूटर साइंस का ज्यादा कुछ बात करने वाला नहीं हूं, तो मेन जिनकी मैं बात करने वाला हूं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग बीई बीटेक हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि फी कितनी रहती है इन कोर्सेज की जेएनयू के अंदर, तो जो फी पड़ती है एमए एमएससी कोर्सेज की मैं बात करूं तो ट्यूशन फी होती है ₹216, ट्यूशन फी है वो पड़ती है ₹216 216। और उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स फीस ₹16, लाइब्रेरी फीस एनुअल लाइब्रेरी कल्चरल फीस ₹16, ₹9 मेडिकल फी, ₹12 मेडिकल बुकलेट, स्टूडेंट एड फी ₹4.50, ₹5 एडमिशन फीस, ₹5 एनरोलमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹40, आइडेंटिटी कार्ड ₹10, ₹15 स्टूडेंट हॉस्टल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन गाइड एंड नेशनल सर्विस स्कीम ₹20। यानी कि कुल मिला के देखोगे तो ₹500 से भी कम फीस पड़ रही है ना, कुल मिलाकर अगर चेक करते हो तो ₹500 से भी कम फीस पड़ रही है एमए एमएससी और एमसीए कोर्सेज की। ₹500 फीस क्या होता है यार, ₹500 तो तुम ऐसे ही खर्च कर देते हो डेली के, इतनी तो यहाँ की फीस है ना। तो सबसे जो सस्ती यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो जेएनयू है, सबसे सस्ती और टॉप क्लास यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एडमिशन मिलना मतलब फिर मैं क्या ही बोलूँ। फिर अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की तो फिजिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 41, जिनमें से जनरल की है 17, एससी 6, एसटी 3, पीडब्ल्यूडी 2, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 4। केमिस्ट्री में 25 नंबर ऑफ सीट्स, मैथमेटिक्स में 15 नंबर ऑफ सीट्स हैं। सबसे कम जो तीनों हमारी साइंस वाली ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस वाली ब्रांच, उनमें सबसे कम नंबर ऑफ सीट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे ज़्यादा हैं फिजिक्स के अंदर। अगर हम बात कर लें बाकी यानी कि एनवायरमेंटल साइंस के अंदर तो यहाँ 39 नंबर ऑफ सीट्स हैं, लाइफ साइंस के अंदर यहाँ पर 38 सीट्स हैं और मॉलिकुलर मेडिसिन के अंदर यहाँ पर 10 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, एमसीए अगर जो करना चाहता है तो 58 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। लास्ट ईयर के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं, इसकी जो कट ऑफ निकलती है उसको निकालने का एक अलग तरीका है। ये आपके मार्क्स के साथ आपके जो डेप्रीवेशन मार्क्स है वो भी कंसिडर करते हैं। डेप्रीवेशन मार्क्स का मतलब होता है आपका 10th 12th कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, और आपके पास एनएसएस के सर्टिफिकेट हैं, एनसीसी के हैं, तो उनको भी कंसिडर करके पूरा एक टैली करके फिर मार्क्स देते हैं। तो वो इनका एक सिस्टम होता है मार्क्स देने का। रैंक जो आपकी सीयूईटी वाली होती है उसके अकॉर्डिंगली रैंक के हिसाब से बताऊं तो फिजिक्स की जो लास्ट कट ऑफ रैंक थी वो 16 थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 थी, ओबीसी के अंदर 18, एससी की जो कट ऑफ रैंक थी वो 6, एसटी की 3 और पीडब्ल्यूडी की 2। तो अगर हम मार्क्स के हिसाब से बात करें तो जनरल में करीबन ये नंबर जाके बैठते हैं, जनरल के अंदर मैं बता रहा हूं ये 250 प्लस होने चाहिए, और भी अगर 240 आप कंसिडर करते हो फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो 240 पे, परंतु मेरे हिसाब से 250, क्योंकि लास्ट ईयर जो टॉपर था उसके मार्क्स थे 272 मार्क्स, टॉपर के जो नंबर थे वो 272 थे, वो नीचे होते 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 ज़्यादा से ज़्यादा वो 250 तक आए होंगे, फिर भी आप एक बार 240 कंसीडर कर लेना फॉर्म भरो तो। और ये जो मार्क्स है 300 में से कंसीडर होते हैं जेएनयू के, है ना। जेएनयू में केवल और केवल पार्ट बी कंसीडर होता है, पार्ट ए कंसीडर नहीं होता। जेएनयू के अंदर केवल पार्ट बी कंसीडर होता है, यानी कि 300 नंबर, 300 में से 250 नंबर 240 नंबर लाना अपने आप में बड़ी बात है। तो 240 पर भी चांसेस हैं कि सिलेक्शन के। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो 235 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर मैं एससी की बात करूं तो 200 नंबर तक, और एसटी की बात करूं तो मैं 170-180 नंबर तक होना चाहिए, है ना। सभी ब्रांचेस में लगभग इतने ही मार्क्स होते हैं, इवन लाइफ साइंस के अंदर और ज़्यादा नंबर जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर थियोरेटिकल ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए लाइफ साइंस के अंदर। इवन केमिस्ट्री के अंदर भी सेम कहानी होती, ज़्यादा होता है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स का लगभग बराबर सही चलता है। मॉलिकुलर मेडिसिन में भी मतलब जेएनयू के अंदर अगर यार एडमिशन ले रहे हो तो 230 प्लस तो कम से कम कंसिडर करो, कोई सी भी ब्रांच पकड़ लो 230 तो चाहिए ही चाहिए। हॉस्टल्स की बात की जाए तो हॉस्टल्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो हॉस्टल्स हैं वो 18 हॉस्टल हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए 18 हैं, और एंड टोटल नंबर ऑफ 18 हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वन कॉम्प्लेक्स फॉर मैरिड स्टूडेंट्स। जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से एक हॉस्टल है, और इसके अलावा बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 18 हॉस्टल्स हैं।
इन हॉस्टल्स का जो एडमिशन है उसका एक अलग से प्रोसीजर है। 22.5% जो सीट्स है वो रिजर्व है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, और 3% जो सीट है वो रिजर्व है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। अगर यहाँ पर हॉस्टल फीस की बात की जाए तो हॉस्टल फीस जो है वो है, एडमिशन फी है 5 रुपये, हॉस्टल सिक्योरिटी 50 रुपये, मैथ सिक्योरिटी 750 रुपये, मैथ एडवांस 750 रुपये, न्यूज़पेपर 15 रुपये, और क्रॉकरी एंड यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों के 50 रुपये। उसके अलावा अगर आपको हॉस्टल सिंगल सीटेड चाहिए तो 240 रुपये लगेंगे। ये मंथली नहीं है, दो सेमेस्टर की फीस है। डबल सीट का चाहिए तो 120 रुपये लगेंगे। मैरिड स्टूडेंट्स के लिए सिंगल सीटेड 180 रुपये, एमसीएम स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप में है, और डबल सीट यानी कि हॉस्टल फीस कुल मिलाकर आपकी एक सेमेस्टर की 500 रुपये आती है। उसके अलावा जो मैथ्स का चार्ज है वो शायद आपका मंथली होता है 750-800 रुपये, तो वो भी मेरे को ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। मैथ्स के जो एडवांस 750 रुपये विल बी पेएबल इन द हॉस्टल इन द एडमिशन, वो एडवांस उसके सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा कराने होते हैं। तो कुल मिला के आप बात करो तो 2 साल की आपकी जो एजुकेशन है मुश्किल से, मतलब आप नहीं खर्चा करते हो तो 10-12 हज़ार के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और उसके अलावा स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो अलग। तो जेएनयू में अगर आपका एडमिशन होता है तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है ना, मतलब एक तरह से आप फ्री में पढ़ाई करके आ रहे हो, वो भी दिल्ली के बीचों बीच में जाके। तो फिर ज़्यादा यूनिवर्सिटी का बखान तो मैं क्या ही करूँ, आप खुद ही जानते हैं जेएनयू का अपने आप में कितना बड़ा भोकाल है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, क्या कोर्स फी है, क्या सीट्स है, क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ रहती है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो सब हमने जाना। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेबल रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इस वीडियो से। अब इसके आगे एक वीडियो मैं करूँगा जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि आपको दिल्ली में अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है तो आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। तो अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर सकें तो शेयर जरूर कर दीजिए, और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।